अक्टूबर 14, 2024 नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया गया स्पेसएक्स का फैल्कन रॉकेट की मदद से। नासा का यह मिशन हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब देने में मदद कर सकता है, जैसे कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या नहीं। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है जुपिटर के एक मून यूरोपा को एक्सप्लोर करना। यूरोपा एक ऐसा आइसी मून है जिसके नीचे साइंटिस्ट को बिलीव है एक बहुत बड़ा ओशन हो सकता है, और आपको पता ही होगा जहां पानी होता है वहां लाइफ होने का चांस भी बढ़ जाता है। यह मिशन हमें यूरोपा के एटमॉस्फेयर और यूरोपा के ऊपर मौजूद बर्फ के नीचे जो पॉसिबल ओशन हो सकता है उसका जानकारी हम लोगों को भेजता रहेगा। यह स्पेस मिशन सिर्फ यूरोपा का आइसी सरफेस और ओशन की ही पता नहीं लगाएगा, बल्कि और एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि पॉसिबल हैबिटेबल एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करना। साइंटिस्ट को लगता है कि यूरोपा का ओशन थोड़ा सा वर्म हो सकता है और वहाँ कुछ एसेंशियल केमिकल भी हो सकते हैं जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी होगा। अब सवाल यह है कि यूरोपा क्लिपर मिशन ये सब करेगा कैसे। ये स्पेसक्राफ्ट काफी एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से भरा हुआ है। इसमें लगा हुआ एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, जो वहां के गैसेस और पार्टिकल्स को एनालाइज करेगा। एक और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है UVS यानी कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ, जो यूरोपा के सरफेस और ओशन के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकता है। और फिर है राडार और इमेजिंग सिस्टम जो आईसी क्रस्ट को पेनिट्रेट करके नीचे की लेयर्स को स्टडी कर सकता है। अभी आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर, क्या वहां पे लाइफ मौजूद है। साइंटिस्ट का मानना है कि यूरोपा की ओशन में हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी कि छोटे छोटे गड्ढे मौजूद है जो सिमिलर अर्थ की तरह है। इस सब वेंट्स के आसपास हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर स्मॉल लाइफ क्रिएचर्स मिल सकता है। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स केमिकल और हीट रिलीज करती है जो माइक्रोब्स के लिए फूड सोर्स बन सकता है। ये आइडिया लाइफ के लिए काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि हमें अब तक सोलर सिस्टम में और कहीं वाटर बॉडीज नहीं मिला जो इस तरह इकोसिस्टम को सपोर्ट करता हो। यह मिशन की जर्नी इतना इजी नहीं है। जुपिटर का रेडिएशन यूरोपा की ऑर्बिट में काफी इंटेंस होता है जो स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट को बहुत डैमेज कर सकता है। नासा ने इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यूरोपा क्लिपर में स्पेशल रेडिएशन शील्ड लगाया है जो इस इंटेंस एनवायरनमेंट में भी इंस्ट्रूमेंट्स को सेफ रखेगा। एक और बड़ा चैलेंज है डाटा ट्रांसमिशन, क्योंकि यूरोपा जुपिटर के पास है तो अर्थ और यूरोपा के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसफर को टाइम कंज्यूमिंग बनाता है। यूरोपा क्लिपर मिशन का डाटा अर्थ पर आने में बहुत डिले होगा। फ्यूचर में जाके अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है और वहाँ लाइफ या लाइफ सपोर्टिंग कोई केमिकल्स मिलता है तो शायद नासा और बाकी सारे स्पेस एजेंसीज आगे जाके कई मिशंस प्लान कर सकते हैं जिसमें कोई प्रोब यानी रोबोट को उधर भेजा जा सकता है जो यूरोपा की ओशन में जाकर डायरेक्टली स्टडी करेगा। तो दोस्तों, ये था नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन का एक डिटेल ओवरव्यू। ये मिशन हमें बहुत सी नई चीजें सिखा सकता है और बहुत सारे सवालों का जवाब भी दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपा में लाइफ मौजूद है? कमेंट में नीचे जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना भविष्य में ऐसे ही फैक्ट से जुड़े वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग।